हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। वेलकम बैक टू अगेन यात्रा ब्लॉग्स गाइस। एक बार और मैं आपको लेकर आ चुका हूँ इंडिया के नए शहर के अंदर, जिसको देख के आप वापस से बोलोगे भाई कमाल है, एक पे एक आप शहर घुमाए जा रहे हो। मेरे सामने देखिए ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर, और ये है नया ब्रिज, ये बना है सिग्नेचर ब्रिज, और अभी अभी ये है रेडी, बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से बना। और ये है हमारे इंडिया की मेट्रो, आप देख सकते हैं किस तरह स्टेशन है और कैसी मेट्रो है। अभी इस व्यू को आप देखिए, और इस व्यू को आप देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तू कंपेयर करता है, किससे कंपेयर करता है। गाइस मेरे हिसाब से साउथ एशिया के अंदर है ना ऐसा मेट्रो सिस्टम कहीं नहीं है। आई थिंक इसको साउथ कोरिया या फिर चाइना के साथ में कंपेयर ईजिली कर सकते हैं अपने लोग। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेशन है, और मेरे को जाने के लिए देखिए, मेरे को जाना था पिंक लाइन, तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बना रखा है, जिसको मतलब कोई भी बाहर का आएगा ना तो वो यही बोलेगा वाओ ब्यूटीफुल। और हमारी मेट्रो भी कितनी प्यारी मेट्रो, देखिए पिंक कलर ब्लू कलर। गाइज मुझे सीरियसली इतना बढ़िया इंप्रेशन लगा ना कि दिल्ली टॉप लेवल की जा रही है बनने सिटी। और गाइज ये नोएडा के अंदर हूँ अभी मैं, और इन शहरों की इतनी आवश्यकता थी अपने देश के अंदर कि अपना देश काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इकनॉमी है ना, तो उसके मतलब शहर थोड़े लगने चाहिए थे। तो जैसे आप अगर नोएडा के अंदर आओगे ना, तो आपको हल्का हल्का मतलब ऐसा फील होगा कि इंडिया काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक बनने जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स हैं, इतने सारे अपार्टमेंट हैं, और गाइस काफ़ी तेज़ी से बूम हो रहा है ये शहर, मतलब रुक ही नहीं रहा है। आप देख सकते किस तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर ध्यान दिया गया है, और ये यहाँ के रोड हैं, और ये सारे यहाँ पे वहाँ से लगाकर ठेठ एंड तक सारे शॉपिंग मॉल थे यहाँ पे सारे के सारे। सो गाइस पहले मैं घूमा था गुड़गांव सिटी, जो भी काफ़ी अच्छी थी, और अभी मैं हूँ नोएडा के अंदर, ये भी काफ़ी बढ़िया सिटी, यानी कि देख के लगता ही नहीं कि हमारा देश किस हिसाब से रेडी हो रहा है। उस तरफ देखिए ब्यूटीफुल से अपार्टमेंट का व्यू आपको दिख रहा है, इस तरफ वाइल्ड रोड, रोड भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, आने वाले टाइम में कुछ भी समस्या नहीं होंगी। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर एकदम व्यू दिया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल शहर है ये। और ये आप देखिए रोड से खड़े होकर मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, पेड़ लगा हुआ है साथ में लगा हुआ है फुटपाथ, और बहुत सारे स्काई स्क्रेपर, और यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है ना उनकी भी सारी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक तरीके से दी गई है और नेक्स्ट लेवल दी गई है। अभी तो आप इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना आगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। जैसे आप एक व्यू आप इसको देखिए, ये वाली बिल्डिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी बनी है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा नेक्स्ट बिल्डिंग और भी इससे भी ब्यूटीफुल है, और मैं आपको भी किसी दूसरे एरिया के अंदर लेके चलता हूँ, जो कि जिसको देख के भी आप बोलोगे कि वाह भाई मज़ा आ गई हमको तो। और ये आप देखिए किस तरीके से फ्लैट ही फ्लैट, जहाँ तक आपकी आँख जा रही है ना, जहाँ तक यानी 10 किलोमीटर तक, वहाँ तक भी आपको फ्लैट ही फ्लैट दिखेंगे। और गाइस ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर 80 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग मुझको दिखी, और कम से कम 40 फ्लोर से तो कम की कोई बिल्डिंग यहाँ पे बन ही नहीं रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये नोएडा का डाउनटाउन एरिया बन सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इस तरफ बन रही 5 बिल्डिंग, उस तरफ ऑलरेडी 5 बिल्डिंग रेडी हो चुके हैं, 10 बिल्डिंग का काम ऑलरेडी, और भी पता नहीं कितनी सारी पास हो चुकी होंगी। और ये एरिया इतना हरा भरा था, और यहाँ पे बिल्डिंग का इतना काम किया जा रहा ना, वो एक नंबर किया जा रहा है। नीचे तो है काफ़ी चौड़े रोड, और ऊपर से जा रहा है एक ब्रिज जो कि मेट्रो स्टेशन से हो रहा है कनेक्टेड, और सामने है नोएडा का स्काईलाइन व्यू सुपरनोवा बिल्डिंग, जिसका काम अभी चल रहा है, ये पता नहीं कब पूरा होगा, ये मुझे भी नहीं पता, अगर किसको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये है यहाँ की मेट्रो स्टेशन, और ये है यहाँ की पिंक लाइन, और यहाँ की मेट्रो काफ़ी सस्ती है, महंगी बिल्कुल भी नहीं है, आप इजीली घूम सकते हो आराम से। अंदर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है मेट्रो का, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और अगर आप मेट्रो स्टेशन से अगर आप जाओगे ना, तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा, देखिए उस तरफ वो 5 बिल्डिंग हो रही है रेडी, इस तरफ ये टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर, और ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो 89 फ्लोर की है, और अभी इसका काम चल रहा है। बाकी आसपास की जो बिल्डिंग सारी हो चुकी है रेडी, मेरे को लग रहा है कि ये भी जल्द से जल्द हो जाएंगी रेडी। और गाइस ये वाला व्यू देख रहा, इस व्यू को देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, पीछे तो जा रहा है हमारा प्लेन और उसके ऊपर से ये बिल्डिंग है, यानी ऐसा लग रहा है कि इंडिया काफ़ी बूम करेगा आने वाले टाइम में। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो नोएडा का भी बना नया नया ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज, जिसको अभी अभी बनाया गया है, आई थिंक कुछ 4 या 5 दिन ही हुए, तो उसके ऊपर से पूरी आपको राइड करते हुए, और स्काई लाइन का वहाँ पे आपको दिखाऊंगा व्यू कि कैसा दिखता है, मतलब काफ़ी फ्लैट, बहुत सारे फ्लैट हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल सा आता है, ये देखिए। और ये ब्रिज भी काफ़ी चौड़ा है, कुछ भी चलने में कुछ दिक्कत नहीं होती है।
और गाइस एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही जो भी अपने देश के स्मार्ट सिटी बन रही है ना, उनका टूर आपको अंदर से करवाऊंगा, डीप से चल के, वो भी पूरा आपके लिए, चाहे धूप सर्दी में सब कुछ सहन कर लूँगा, लेकिन कमेंट जरूर करना भाई के लिए। और ये वाला व्यू मेरे को काफ़ी मस्त लगा, ऊपर चल रही मेट्रो, आजू बाजू ब्रिज को कलर किया हुआ है और रोड भी काफ़ी चौड़े हैं, मतलब एक नंबर इंप्रेशन है। आप इस शहर के अंदर इजीली रह सकते हो और काम धंधा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ये नोएडा सिटी। और वहाँ से मेट्रो हो रही एंड उसके आगे मेट्रो नहीं जाती है, आखिरी स्टेशन है, और यहाँ से फिर मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद या उस तरफ लाइन जाती है, मतलब दिल्ली NCR के अंदर ये पूरा एरिया था। और ये वाली बिल्डिंग भी काफ़ी यूनिक थी, और आप देख सकते हैं नोएडा कैसा बिल्कुल ग्रीन है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बिल्डिंगें बना रहे हैं, नहीं, चाइना की तरह नहीं, हम लोग हरा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ पौधों पर ध्यान भी दे रहे हैं और हम लोग बिल्डिंगें भी बना रहे हैं। और ये वाला व्यू देख के मैं शौक हो गया था कि एक ही ब्रिज पर इतनी सारी गाड़ियाँ कैसे अटक गई थी, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ये फिर कर लिया शूट। सो गाइस वीडियो बस इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंडिया की एक ऐसी फ्यूचर सिटी को लेके कि वो किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है और उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अपना जब तक अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यात्रा भी लोग वाले भाई के साथ मुंबई देखा है, अहमदाबाद देखा है, सूरत देखा है, और लास्ट टाइम देखा था गुरुग्राम सिटी जो कि भारत का एक स्मार्ट सिटी है, और आज उसी से मिलता जुलता बल्कि शायद उससे भी एक दर्जे आगे का बेहतरीन शहर नोएडा सिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो वैसे तो दिल्ली NCR में आता है लेकिन ये रियासत उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गुरुग्राम दिल्ली NCR में आने के बाद भी रियासत हरियाणा का हिस्सा है। खैर अगर नोएडा की बात की जाए तो यहीं पर है भारत की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा, और वीडियो ने उस आखिर में उस बिल्डिंग का नाम भी बता दिया है, 89 फ्लोर्स के साथ वो भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन तकरीबन एक साल हो गया इस बिल्डिंग को देखते हुए, तो लगता नहीं है कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हो। खैर जब ये मुकम्मल होगी तो फिर ये एक शानदार नज़ारा पेश करेगी, और वीडियो ऑनर भी यही कह रहा था कि यह सारा इलाका शहर के मरकज़ी इलाके यानी डाउनटाउन की हैसियत से आबाद हो जाएगा। इसके साथ साथ नोएडा सिटी में पिछले दिनों ही बनने वाला ब्रिज भी दिखाया जा रहा था, सिग्नेचर ब्रिज। वैसे तो दिल्ली के ब्रिज का नाम भी सिग्नेचर ब्रिज है, जो शायद दरियाए जमुना के ऊपर बनाया गया है, तो ये भी अब इसका नाम भी सिग्नेचर ब्रिज ही बता रहे थे वीडियो ऑनर। और साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, नोएडा जैसा स्मार्ट सिटी हो और पढ़े लिखे लोग हों, बेहतरीन माहौल हो, तो फिर साफ़ सफाई के नज़ारे कुछ अगले दर्जे के ही देखने को मिलते हैं। तो नोएडा एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया जाने वाला शहर है जो जदीद भारत की एक नई तस्वीर पेश करता है, और दिल्ली NCR में दिल्ली का बोझ बांटने के लिए इन दो शहरों को बनाया गया था, और लगता है ऐसे ही कि दोनों शहर अपने बनाने के मकासद को पूरा हासिल कर लेंगे। लाइफस्टाइल भी बहुत ही ज़बरदस्त है और लोग फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से शहर में एक मिला जुला सा रुझान पाया जाता है, यानी कि शहर में कोई कच्ची बस्तियों का या गरीब इलाकों का कोई इतना तसव्वुर नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल हर तरह के शॉपिंग मॉल्स भी, हर तरह के ब्रांड भी इस शानदार शहर में देखने को मिलते हैं, और मेट्रो जो दिल्ली मेट्रो है वही नोएडा तक भी जाती है और वही गुरुग्राम तक भी जाती है। और याद आया मेट्रो से, जो वीडियो कह रहे थे कि मैं पिंक लाइन की तरफ जा रहा, एक वीडियो में देखा था वो बहुत ही मुझे देख के अच्छी चीज़ लगी थी कि अगर आपने जब मेट्रो दिल्ली में चेंज करनी होती है, एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में जाना होता है, अगर आपने पिंक की तरफ जाना है तो वो उधर से स्टेशन से लेकर जहाँ तक पिंक मेट्रो आ नहीं जाती वहाँ तक पिंक निशान लगाए गए हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो बिल्कुल ऐसे ही लगा था कि जैसे नक्शे कदम पर चलने वाली बात होती है, किसी को फॉलो करने वाली बात होती है, तो वो अब याद आ गई। और दिल्ली मेट्रो तो वैसे ही भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है, सबसे बेहतरीन मेट्रो है और सबसे कामयाब मेट्रो भी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अपने वक्त में मुंबई में लोकल कामयाब हुई थी, तो इस दौरे हाजिर में दिल्ली में मेट्रो कामयाब हुई और उसने भारत में मेट्रो का एक नया ज़माना शुरू कर दिया। बाकी नोएडा सिटी देख के, गुरुग्राम सिटी देख के, और इसी वीडियो ऑनर के तवसुत से सूरत अहमदाबाद जैसे शहर देख के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे तरीके से सारे वीडियो को कवर करते हैं और शहर की खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके कितने का शुक्रिया इस वीडियो में याद रख बने रहने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें, बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।